हेलो एवरीवन, सो प्रीवियस वीडियो में हमने फॉग सिस्टम कॉल को पढ़ा एंड हमने पाइप सिस्टम कॉल को पढ़ा। हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, उसका यूज देखा और वो क्या रिटर्न करता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी, राइट? अब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली, अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए, सो अब आज उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम उसका प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा, क्या वो एक्चुअली हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है? इसमें एक मेन फंक्शन लिखा है मैंने, ये इसको आप पेरेंट प्रोसेस की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है? कि ये पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है? इसमें मेन फंक्शन है, मेन के अंदर क्या है, फॉग सिस्टम कॉल लगी है और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है? अब ये क्या, कितनी बार ये प्रोसेस क्रिएट करेगा, ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है? जैसे ये हमारा एक पेरेंट प्रोसेस था, लेट्स सपोज हमने इसको पी कह दिया, ठीक है? थैंक यू फॉर चूजिंग टू कंज्यूम आवर कंटेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, बट व्हाट आई वांट टू से इज दिस कंटेंट कैन बी बेटर कंज्यूम्ड इफ यू कंज्यूम इट ऑन nados.io, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज अ डूइंग एक्टिविटी, सो इफ यू रियली वांट टू लर्न इट, यू हैव टू कोड द क्वेश्चंस. And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Worst Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on nados.io. Thank you. अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहले fog system call लगी. Fog system call लगाते हैं, ठीक है? अब fog system call हमने देखा था. Fog system call क्या होता है? Process को एक new process में create कर देता है, right? एक process की exact copy create कर देता है fog system call, ठीक है? सो पेरेंट प्रोसेस में हमने फॉग सिस्टम कॉल लगाया तो क्या होगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक तो पेरेंट प्रोसेस और एक और प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है? विद आईडी पीआईडी 0 एंड इसकी पीआईडी +1 और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? सो पेरेंट प्रोसेस है, उसमें फॉग सिस्टम कॉल लगी, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो प्रोसेस में स्प्लिट हो गया, एक तो पेरेंट प्रोसेस और एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट हो गई चाइल्ड प्रोसेस की, ठीक है? तो अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है, वो क्या कर रहा है, स्टडी कोड ये प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस अब क्या था, दोनों प्रोसेस पैरेलली रन करेंगे, फॉग सिस्टम कॉल लगने के बाद बोथ प्रोसेस रन पैरेलली, राइट? सो ये प्रोसेस क्या प्रिंट करेगा, स्टडी कोड, और ये प्रोसेस क्या प्रिंट करेगा, स्टडी कोड, ठीक है? सो ये प्रिंट लाइन दो बार एग्जीक्यूट हो गई, दोनों प्रोसेस ने पैरेलली रन किया और दो बार प्रिंट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है? अब यार, अब मैं इस एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक और सिस्टम कॉल लगा दिया, एक और मैंने फॉग सिस्टम कॉल लगा दिया, पहले एक सिस्टम कॉल थी, अब एक और सिस्टम कॉल लग गई, अब क्या चेंजेस आएंगे, अब कितने प्रोसेस क्रिएट होंगे वो देखते हैं। अब लेट सपोज ये पेरेंट प्रोसेस तो है ही, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं इसको। अब फॉग वन लगा, ठीक है, पहला फॉग सिस्टम कॉल लगा, तो क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा एंड पेरेंट होगा पी, चाइल्ड प्रोसेस को हम कह देते हैं सी वन, ओके, आईडी 0 एंड आईडी पॉजिटिव, ठीक है? सो पेरेंट ने दो प्रोसेस क्रिएट कर दिए, पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस, फॉग पहला फॉग सिस्टम कॉल हो गया, रिटर्न करके ले आया आईडीज। अब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन आई, नेक्स्ट लाइन में एक और बार फॉग सिस्टम कॉल लगी है, ठीक है, सेकंड सिस्टम कॉल लगी है। अब ये क्या होगा, अब ये हमारे प्रोसेस हैं, अब इनको क्या होगा, इनके ऊपर फॉग सिस्टम कॉल लगी, तो ये क्या करेंगे, अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर देंगे, अपने दो प्रोसेस, अपने आप को दो प्रोसेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे। सो चाइल्ड में अब इस प्रोसेस में फॉग सिस्टम कॉल लगी, तो ये क्या करेगा, अपने आप को दो प्रोसेस में डिवाइड कर देगा, एक तो ये चाइल्ड सी वन जो है, एक और इसका जो ग्रैंड चिल्ड्रन, एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, लेट्स सपोज हमने इसको सी टू कह दिया, ठीक है, दो प्रोसेस में डिवाइड हो गया, सी वन एंड सी टू। अब इस प्रोसेस पे आए, इसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पेरेंट प्रोसेस
और एक और चाइल्ड प्रोसेस इसका भी क्रिएट हुआ, लेट सपोज इसको C3 कह देते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या देखा, एक चाइल्ड प्रोसेस C1 है, चाइल्ड प्रोसेस C2, एक चाइल्ड प्रोसेस C3 और एक पेरेंट प्रोसेस। सो इस पेरेंट प्रोसेस के कितने चाइल्ड हो गए, एक चाइल्ड है, इसका ग्रैंड चाइल्ड भी क्रिएट हो गया, राइट, और एक पेरेंट प्रोसेस है। तो जितनी बार सिस्टम कॉल लगेगी वो अपने आप को फर्दर दो प्रोसेस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। सो यार अब हमने ये एग्जांपल तो देखा, अब एक जेनरिक सो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि यार अब एक बार सिस्टम कॉल लग रही है तो कितने प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, दो बार लगेगी, अब तीन बार लगा दे तो कितने प्रोसेस हमारे क्रिएट हो जाएंगे, तो एक जेनरिक सा फॉर्मूला देख लेते हैं। अब मान लो इसमें हमने एन को ले लिया, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने फॉक को कॉल किया। अब देखो यहाँ पे हमने दो बार फॉक सिस्टम कॉल लगाई थी, तो कितने प्रोसेस क्रिएट हुए, दो बार फॉक लगी, कितने प्रोसेस क्रिएट हुए, चार प्रोसेस क्रिएट हुए, ठीक है। सो अब मान लो हमने तीन बार फॉक लगा दिया, इसी में हमने एक और बार फॉक हमने 3 लगा दिया, अब क्या होगा, इनके ऊपर दो दो प्रोसेस और डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो कितने प्रोसेस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट इज 8 प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। तो इससे हमें कुछ फॉर्मूला ड्राइव हो पाया, फॉर्मूला कुछ समझ आया हमें, देखते हैं। अगर हम 2 की पावर n कर दें तो क्या होगा, 2 की पावर 2, n इज नंबर ऑफ टाइम्स फॉक इज कॉल्ड, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो यार 2 के लिए तो ये सही हो रहा है, 3 के लिए चेक करते हैं, चलो 3 के लिए 2 की पावर 3 दैट इज 8। दैट मीन्स अगर हमने n टाइम्स फॉक कॉल किया है तो कितने प्रोसेस क्रिएट होंगे, 2 की पावर n प्रोसेस हमारे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो प्रोसेस हमारे हो गए, इतने प्रोसेस क्रिएट हुए। कभी कभी क्या आ जाता है कि यार चाइल्ड प्रोसेस बताओ, कि चाइल्ड प्रोसेस, सारे प्रोसेस नहीं, सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस कितनी बार क्रिएट हुए ये बताओ। तो यार यहाँ पे देखो, अब हमने दो बार जब फॉक सिस्टम कॉल लगाई थी तो कितने प्रोसेस क्रिएट हुए थे, 4 प्रोसेस क्रिएट हुए थे, एक पेरेंट था, बाकी 3 चाइल्ड थे। तो इससे हमें क्या समझ आया कि 2 की पावर n तो प्रोसेस है, माइनस अगर हमने 1 कर दिया पेरेंट प्रोसेस को तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें क्या बताएगा, कितने हमारे चाइल्ड प्रोसेस हैं, ठीक है। सो अब हमने ये एग्जांपल तो समझा कि फॉक सिस्टम कॉल लगती है तो वो दो सिस्टम कॉल्स दो प्रोसेस में डिवाइड कर देता है, एंड इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर n टाइम्स फॉक सिस्टम कॉल लगी है 2 की पावर n प्रोसेस क्रिएट होंगे और 2 की पावर n-1 प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। सो आज हमने ये देखा, फॉक सिस्टम कॉल की हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम इसकी फर्दर वीडियो में हम फॉक सिस्टम कॉल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।